लेना है तो वीडियो शूट करना। इसमें घुसना मना है ना? क्या बोल रहे? इसमें घुसना मना है। कौन बोला? कौन बोला? हमारे आदमी सब बोल रहे। कब? आप यहाँ क्या मतलब कि आप क्या है? जाइए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो काम है वहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है आप देखते हैं कि इसके अंदर आना आप लोग को मना है। नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ पे जो है मना ही है, आप यहाँ पे नहीं आए। मीठापुर के अगर इसी पार्ट को जो जोड़ने के लिए जो है 13 साल के अब जो है टाइम लग चुका है। और ये साइड में जो टूटा है अनिता सिंह के मकान, वो साइड में हम लोग चलेंगे और वहाँ पर भी देखेंगे कि काम का क्या सिचुएसन है ऊपर से। यहाँ का जो इस तरह के आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जितने भी है सर, ये आप इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर में किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। और इस तरह से आप देखिए सारे के सारे अप टू डेट आपको देने वाले हैं। बगल से ही आपको यहाँ से देखना होगा रेलवे का लाइन है। रेलवे लाइन में आप इस साइड से जो है और इसी के जस्ट बगल में जो पुल का जो है ये वाला पार्ट नीचे जाके ढूंढने वाला है, तो वो साइड में हम लोग चलने वाले हैं और वो साइड में आपको अपडेट करने वाले हैं दोस्तों। वक्त यहाँ पे सामने अनिता सिंह का मकान का जो पिछले बार वीडियो में भी सेम ही बोले थे कि टूट टाट के जो है बराबर हो गया है। और यहाँ पे देखिए पिछले बार ड्रिलिंग का काम नहीं होना शुरू हुआ था और यहाँ पे सरिया बांधा जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए घेराबंदी के साथ साथ दो कामें की जा रही है। घेराबंदी तो की ही गई है, इसके साथ साथ जो है आप देख पा रहे होंगे कि ड्रिलिंग मशीन का भी जो है यहाँ पे अब लगा दिया गया, यानी कि हाल ही में इसको तुरंत जो है पाइलिंग का काम यहाँ पे शुरू होगा दोस्तों। और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत दूर तक जो है घेराबंदी किया गया है और इस तरह से यहाँ पे पाइलिंग भी अब जल्द ही शुरू हो जाएगी। और हमारा ये जो सपना था बरसों का अब पूरा होने में ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों। तो यही अप टू डेट है मीठापुर ओवर ब्रिज का कि अब जो है सपने साकार होंगे बहुत ही जल्द दोस्तों। तो हमारा ये अपडेट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।